हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के डीबीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर। वैसे आपके दो टाइप के डेटाबेस आर्किटेक्चर होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और दूसरा आपका होता है स्कीमा आर्किटेक्चर। तो पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। एप्लीकेशन आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है सिंपल स्ट्रक्चर आपका कैसे होता है डेटाबेस के अंदर, कैसे उसको मैनेज करते हैं, वो सारा कंडीशन आपका आर्किटेक्चर के अंदर आता है। यानी डिजाइन फॉर्मेट, डेटाबेस का डिजाइन फॉर्मेट किस टाइप से होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला आपका है एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। सो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग डीबीएमएस का बनाते हैं उसे ही आपका बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। द बेसिक ये जो डील करता है वो करता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे। इसमें जो भी आपका डील होता है वो क्लाइंट, एक क्लाइंट होगा देन सर्वर होगा, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होगा। अब जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। एक आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है और थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है। तो वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीसी। आपके जो भी लार्ज नंबर ऑफ पीसी है उनको मैनेज करने हैं, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड अदर कंपोनेंट दैट कनेक्टेड विद नेटवर्क। नेटवर्क के साथ अगर आपके लार्ज नंबर ऑफ पीसीज कनेक्टेड हैं, वेब सर्वर कनेक्टेड हैं, डेटाबेसेस कनेक्टेड हैं, उनके बीच में डेटा को शेयरिंग करना, मैनेज करने का काम जो होता है वो आर्किटेक्चर के थ्रू होता है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर डिपेंड अपॉन हाउ यूजर आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस टू गेट देयर रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। मींस कोई भी रिक्वेस्ट आपकी अप्लाई हो रही है तो वो कैसे वो कनेक्टेड होगा एक क्लाइंट सर्वर से एंड कम्युनिकेट कैसे करेगा वो डिफाइन होता है आपका आर्किटेक्चर के अंदर। सो अगर आप एप्लीकेशन आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक वन टायर होता है, एक टू टायर होता है, एक थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है। वैसे तो जो जनरली हम लोग बोलते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक सिंगल टायर होता है, एक मल्टी टायर होता है। बट लॉजिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर ऑफ टू टायर, मेनली ये दो ही टाइप में आपका डिवाइड होता है, टू टायर और थ्री टायर। वन टायर में क्या होता है आपका वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो उसे डील हम लोग नहीं करते हैं। एक्सप्लेन मैं करूंगा। वन टायर आर्किटेक्चर, इन दिस आर्किटेक्चर डेटाबेस डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर, यूजर को डायरेक्टली अवेलेबल है। इट मीन्स दैट यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डेटाबेस एंड यूज इजीली डेटाबेस को यूज कर सकता है थ्रू वन टायर आर्किटेक्चर का। वो अवेलेबल है यूजर के लिए, डायरेक्टली यूजर उसको कम्युनिकेट करेगा। एनी चेंजेस डन हियर विद डायरेक्टली विद मीन्स कोई भी चेंजेस आपको डेटाबेस में करने हैं तो यूजर डायरेक्टली उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये वन टायर का होता है, मीन्स डायरेक्ट सारा कंट्रोल जो होता है वो यूजर के पास ही होगा। वही कंडीशन होती है आपकी वन टायर आर्किटेक्चर। वन टायर का आर्किटेक्चर यूज फॉर डेवलपिंग ऑफ दी लोकल एप्लीकेशन। आपको लोकल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो यूजर पे ही कंट्रोल होगा। वेयर प्रोग्राम कैन बी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर देयर क्विक रिस्पॉन्स। जल्दी से फास्टली रिस्पॉन्स के लिए आपका जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली आपका पूरा कम्युनिकेशन एक ही यूजर के पास है तो वो कहलाता है आपका वन टायर आर्किटेक्चर। अब आता है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो कहलाता है आपका टू टायर आर्किटेक्चर। सो टू टायर आर्किटेक्चर सेम एज द बेसिक क्लाइंट सर्वर। इन दिस टू टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन आर क्लाइंट एंड देन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वो सेंड एंड रिसीव होती है। यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रनिंग। इसमें यूजर एप्लीकेशन एंड आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो वर्क करते हैं और इसके अलावा के थ्रू आपका कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। इसमें आपके सर्वर साइड पे आपकी क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, उसके अलावा ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होती है एंड क्लाइंट साइड पे आपका एप्लीकेशन एंड यूजर होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेट होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सर्वर को एंड सर्वर डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा क्लाइंट को। मीन्स दो यूजर हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, एक बैंक है और एक यूजर है। यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है बैंक से तो ये जो टायर है वो टू टायर आर्किटेक्चर है, मतलब दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीडिएटर कोई नहीं है तो ये टू टायर है। दो यूजर हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यूजर और बैंक। यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक से लेनी, बैंक के पास जाएगा एंड बैंकर बैंक को कोई इंफॉर्मेशन देनी है वो डायरेक्ट यूजर को देगा। तो ये इस टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है इसे बोलते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। इसके बाद आता है आपका थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक क्लाइंट सर्वर तो आपका होगा ही, उसके अलावा एक मीडिएटर आ जाता है बीच में जो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सो थ्री टायर आर्किटेक्चर कंटेन अनदर लेयर बिटवीन दी क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू आपका कम्युनिकेशन होता है। इन दिस आर्किटेक्चर क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सर्वर। इसमें क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा सर्वर से, वो मीडिएटर्स के पास जाएगा देन उसके बाद कम्युनिकेट करेगा। सो एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन सर्वर एंड फर्दर कम्युनिकेट विद दी
डेटाबेस सिस्टम। सो थ्री टायर आर्किटेक्चर का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका ये देखिए, ये क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट के पास एप्लीकेशन क्लाइंट है, यूजर है, एंड सर्वर के पास आपके एप्लीकेशन सर्वर है। तो क्लाइंट को अगर जाना है पहले वो सब एप्लीकेशन सर्वर के पास जाएगा, देन डेटाबेस के पास जाएगा। तो इसका अगर एग्जाम्पल आप देखें तो एक बैंक है और एक यूजर है। अभी तो ये हुआ टू टायर आर्किटेक्चर, एंड मीडिएटर में आपके पास आ गया एटीएम। मीन्स अगर यूजर को पेमेंट एक्सेस करनी है तो वो क्या करेगा, पहले एटीएम के पास जाएगा। तो एक मीडिएटर है, एटीएम बैंक से ऑथेंटिकेशन सब कुछ चेक करेगा कि यूजर ऑथोराइज है या नहीं है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स देता है। तो यानी हम डायरेक्टली बैंक से नहीं कम्युनिकेट करें, हम क्या करें, एटीएम के पास गए, एटीएम ने वो डेटा बैंक से मैच किया, बैंक ने एटीएम को सेंड किया, देन उसके बाद यूजर जो है कम्युनिकेट करा। तो ये थ्री यूजर के बीच में थ्री वे कम्युनिकेशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो ये आपका था थ्री टायर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। थैंक यू स्टूडेंट।